टैरो रीडिंग एक विज्ञान है और सभी समस्याओं का हल इसमें छुपा हुआ है और इसी विषय में चर्चा करने के लिए हमारे बीच मौजूद है देश की जानी मानी टैरो कार्ड रीडर श्रीमती शैलका शर्मा जी। नमस्ते शैलका जी, वेलकम टू द शो। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि टैरो रीडिंग है क्या। टैरो रीडिंग वो विज्ञान है जो ब्रह्मांड के एनर्जी से हर किसी इंसान के भविष्य के बारे में बताता है। टैरो कार्ड में हम तीन कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड हमें आपका पास्ट बताता है, मिडिल कार्ड हमें प्रेजेंट बताता है और लास्ट कार्ड फ्यूचर बताता है। तो जब ये तीनों कार्डों से हम ये पूछते हैं कि अब आपकी आने वाली लाइफ क्या है या आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है, तो इन चित्रों और इन पेंटिंग्स और इन एनर्जीज से हम आपके बारे में बताते हैं। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपके स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई जब मैं 16 साल की थी। आई हैव स्टार्टेड लर्निंग रेकी फर्स्ट, उसके बाद मैंने उसको डिसकंटिन्यू कर लिया, लेकिन मेरा एक ऑकल्ट की तरफ जो रुचि थी वो हमेशा मैं अपनी बुक्स के साथ कैरी करती रही और हमेशा पढ़ती रही। 21 साल की उम्र में अमेरिका में जाके दोबारा मेरे को टैरो करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला और मैंने शौक में टैरो क्लासेस ज्वाइन कर ली। लेकिन जब मैंने टैरो ज्वाइन किया तब मुझे मालूम चला, जब मैं टैरो के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि यही मेरी लाइफ का पैशन था, यही मेरी लाइफ का मोटिव था। इसीलिए भगवान ने मुझे हमेशा कॉन्टैक्ट में रखा ऑकल्ट साइंस के। हमेशा मुझे कोई ना कोई ऐसे इनकाउंटर्स होते रहे जिससे मुझे ये लगता था कि मैं ज़रूर ऑकल्ट की तरफ ही जाऊँगी। फिर 21 साल से 23 साल तक, 2 साल तक मैंने टैरो प्रैक्टिस किया, जिसमें मैंने क्रिस्टल प्रैक्टिस किया, जिसमें मैंने एंजल थेरेपिस्ट बनी, उसका सर्टिफाइड किया। फिर 1 साल का कंटिन्यू ब्रेक देके मैंने मेडिटेशन करके अपना पूरा 100% एक्यूरेसी लेने के बाद पिछले 5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और इस अपने इस पैशन को जी रही हूँ। दिस इज़ माई ड्रीम, दिस इज़ माई विजडम, दिस इज़ माई स्पिरिचुअलिटी। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि टैरो काम कैसे करता है। टैरो रीडिंग अपनी यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ मिक्स होके काम करता है। टैरो रीडिंग 78 कार्ड्स का एक डेक होता है जिसमें 22 मेजर आर्काना और 52 माइनर आर्कानाज होते हैं। जो माइनर आर्कानाज हैं वो हमारे अर्थ एलिमेंट के साथ जुड़कर काम करते हैं, जैसे कि एयर, वाटर, अर्थ, फायर। सो जब हमारे 4 एलिमेंट किसी भी व्यक्ति के साथ मर्ज होते हैं और वो हमारे भविष्य के बारे में बताते हैं, तो वो सारे संदेश हमें टैरो कार्ड्स के द्वारा उस कार्ड्स में आ जाते हैं। इस तरह से टैरो कार्ड्स काम करते हैं। सही कहा आपने, पर ये बताइए कि इसकी कुंडली और ज्योतिष की कुंडली में फर्क क्या है। इसकी कुंडली और ज्योतिष कुंडली में ये फर्क है कि ज्योतिष कुंडली में जब हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में देखना है तो हमें उसके जन्म स्थान, जन्म तिथि के बारे में मालूम होना चाहिए। टैरो कार्ड में उस व्यक्ति का सामने मौजूद होना ही काफ़ी होता है। वो उसकी एनर्जी से उसकी सारी कुंडली के सारे घर, सारे भाव, सारे नक्षत्रों को पहचान सकते हैं और उनके वर्तमान में जो भी छुपा है उसके बारे में बता सकते हैं। आपकी सारी बातें सही है, पर ये बताइए कि इसकी एक्यूरेसी कितनी सही होती है। इसकी एक्यूरेसी 100% होती है क्योंकि ये, मैंने पहले भी बताया कि ये यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ काम करता है। तो यूनिवर्सल एनर्जीज में पहले से ही ये मालूम होता है कि आपके फ्यूचर में क्या है। तो जब यूनिवर्सल एनर्जीज आपके साथ जुड़ के आपके फ्यूचर के बारे में बताते हैं तो इसकी एक्यूरेसी 100% होती है। अच्छा ये बताइए कि टैरो रीडर्स आजकल एनर्जी एक्सचेंज के नाम पर काफ़ी एक्सपेंसिव सेशंस देते हैं, ऐसे में जो ना अफोर्ड कर पाए उनके लिए आप क्या सलाह देती हैं। काफ़ी लोग होते हैं जो हीलिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कहते हैं कि मैम हीलिंग्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो हम क्या करें। हीलिंग्स मैं
ये कहती हूँ कि जिसको भी मेरे से हीलिंग की ज़रूरत है और वो चाहता है कि मैं उसे हील करूँ, ऐसा कभी कोई इशू नहीं आया है कि मैंने फाइनेंस की वजह से किसी को हील ना किया। आई एम ऑलवेज रेडी एंड ऑलवेज देयर फॉर पीपल हु नीड माय हेल्प एंड हु कैन नॉट अफोर्ड द हीलिंग सोल और हु कैन नॉट अफोर्ड अ सेशन विद मी। तो इसीलिए मैंने महीने में 4 दिन ऐसे रखे हैं जिसमें मैं फ्री सेशंस देती हूँ, जिसमें मैं लोगों की समस्याएं सुनती हूँ। इसके लिए उनको मुझे पे नहीं करना है और जो भी उनकी हीलिंग है अगर मेरे से होनी होती है तो मैं वो ज़रूर करती हूँ। और इसी राह पे हमेशा हूँ कि जितने भी लोगों के साथ मिलके जुड़ के काम कर सकूँ वो हमेशा करती हूँ। शेरका जी, जब आप इस प्रोफेशन में आई आपको काफ़ी मुश्किलें आई होंगी, ऐसे में सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किससे मिली इस जर्नी में? सबसे जो मेरा साथ देने वाले हैं वो है मेरे फादर इन लॉ, जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, हमेशा मेरे कोर्सेज में समझा और मुझे बोला कि मुझे जाना चाहिए, वो कोर्सेज करने चाहिए, मेरे को अपनी मेडिटेशन करनी चाहिए, जो भी करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया कि नहीं, आप जाओ और आप जाके लोगों की हेल्प करो, और जो आप उनसे सपोर्टिंग रहा वो उन्होंने मुझे दिया। एक चीज़ और बताइए, क्या मेडिकल इश्यूज में किसी तरह की बीमारी में भी टैरो रीडिंग उतनी ही काम आती है? बिल्कुल, मेरा खुद का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें मैंने ही डिडक्ट किया था कि मेरे एक क्लाइंट हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं और मेरे काफ़ी पुराने क्लाइंट हैं, कि उनके बेटे को कैंसर होगा। तो कुछ दिन बाद वो मेरे पास वापस आया और उन्होंने मुझे बोला कि हाँ शल्का, हमने चेकअप कराया है, उसको कैंसर ही है। तो उस कैंसर को हमने अर्ली स्टेज में क्रिस्टल थेरेपी से, कैंडल मैजिक से और मंत्रों से 3 महीने के अंदर रिकवर किया। आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है और इस चीज़ को 2 महीने हो चुके हैं। और मैं इस चीज़ में भी बोलना चाहती हूँ कि अगर एक बार जो कैंसर है वो क्रिस्टल थेरेपी से जब हील हो जाता है, उसके वापस आने के चांसेस बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो उसमें कभी भी आप ये नहीं कहोगे कि ये 4 साल बाद दोबारा आ गया है या दोबारा आएगा, तो वो क्वेश्चन कभी नहीं उठता है। हमेशा यही होता है, जो मैजिक है, जो कैंडल मैजिक है और जो हमारे मंत्रास हैं, वो उस बच्चे को हमेशा प्रोटेक्शन में रखेंगे कि कैंसर दोबारा उस तक ना आए या कोई और बीमारी उस तक ना पहुँच पाए। शैलका जी, आप हमारे शो पे आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।